हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एक्टर आर माधवन ने पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ नई तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही माधवन ने दोनों सरकारों की सराहना करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी है, जिसमें एक्टर ने फ्रांस और भारत की गहरी दोस्ती का भी जिक्र किया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के फुल कैपेसिटी से गोडा पावर प्लांट शुरू होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की है। अडानी ग्रुप का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे को खत्म कर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूए के लिए रवाना हो गए हैं। इसके पहले राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए लुव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। वहीं जानकारी के मुताबिक राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद, यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। अजीत पवार और उनके गुट के विधायक शरद पवार से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात वाईपी चौहान सेंटर पर हुई है। मुलाकात के बाद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद दिया है। हमने उनसे कहा कि एनसीपी के नेता पार्टी से अलग ना हो, इसके लिए हमने उनसे अपील भी की। केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए टमाटर 80 रुपये प्रति किलो में बेचना शुरू किया है। पहले इसे 90 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा था। सरकार ने कहा कि देश भर में 500 से अधिक जगहों पर कीमत का दोबारा आकलन करने के बाद 16 जुलाई को टमाटर 80 रुपये किलो बेचने का फैसला लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट रेंजिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यानी चंद्रयान अब पृथ्वी की अगली और पहले से बड़ी कक्षा में पहुंच गया है। ये प्रोसेस इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी IS ट्रैक से कंट्रोल की है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला पहलवानों में शामिल संगीता फोगाट ने भारत का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। संगीता ने हंगरी में फूडापेस्ट में पॉलिक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में हंगरी की विक्टोरिया वोरोसस को हराकर 49 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के लिए यूएई पहुंचे। यहां उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में उनका स्वागत राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधे। रूस में पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का कुछ पता नहीं चल रहा है। पूर्व अमेरिकी जनरल रॉबर्ट अब्राहम के मुताबिक वो कभी नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पुतिन वैगनर को लीड करने के लिए एक नया हेड नियुक्त करने वाले हैं। तख्ता पलट की कोशिश के 5 दिन बाद पुतिन ने वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन और उनके कई टॉप फाइटर से बातचीत की थी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।